उखल बंधन लीला, उसी को ही दामोदर लीला भी कहते हैं। ये भगवान की अत्यंत सुंदर लीला है। एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैया कन्हैया की लीलाओं का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। उसी बीच कन्हैया अपने मैया के पास आए और मैया के हृदय में प्रेम को बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली और उन्हें दही मथने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूद कर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लाला को दूध पिलाने लगी। पास में ही पद्मगंधा गाय का दूध आग में रखा हुआ था और वो उबलने लग गया। गैया का दूध ने सोचा, कन्हैया आज मैया का दूध ही पी लेंगे तो मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं आग में कूद कर आत्महत्या ही कर दूंगा। अगर भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे जीने का क्या लाभ है। अब दूध को उफनता देखकर मैया ने लाला को अतृप्ति छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, जिस दूध दही ने मेरे और मैया के बीच में भेद डाला है, अब उस दूध दही को सुरक्षित रहने नहीं दूंगा मैं। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास में रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गया और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए, दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लग गए और बंदरों को भी खिलाने लग गए। सोचा, ये मेरे पूर्व जन्म के साथी है। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि ये सब मेरे लाला का ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची जहां कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है तो वो नंद भवन के पीछे से दरवाजे से भागने लगे। आज बहुत ही बड़ी विलक्षण लीला हो रही है भगवान की। बड़े बड़े देवता देख रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं, गोपियां देख रही हैं, भगवान आगे आगे जा रहे हैं, वक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी विभिन्न तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा रानी पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन श्री कृष्ण हाथ नहीं आ रहे हैं। जब कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई है, बहुत चेष्टा कर रही है, तो वो खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वो उन्हें डराने धमकाने लगी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। उसके बाद सोचा कि इसको एक बार के लिए तो रस्सी से बांध ही देना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई बांधने के लिए और कन्हैया को बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी हमेशा दो उंगली छोटी पड़ गई, तो मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी दो उंगली छोटी पड़ गई। इसी प्रकार सारे गोकुल के जितने भी रस्सी आते सबको ले आए और कन्हैया को बांधने लगे, लेकिन हमेशा रस्सी छोटी पड़ती थी, दो उंगली। इस दो उंगली रस्सी छोटी पड़ने का रहस्य क्या है? आचार्य लोग हमें बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें अपना प्रचेष्टा, अपना अभिलाषा को तीव्र करना पड़ेगा। जब हम अभिलाषा और प्रचेष्टा और एंडेवर को तीव्र करेंगे तो भगवान अपना कृपा, अपना मर्सी हम पे देंगे और खुद वो बंध जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यशोदा मैया इतना मेहनत कर रही थी, इतना प्रचेष्टा कर रही थी, फिर भगवान अपने आप को बंधने दिए, भगवान अपने भक्तों पर कृपा किए और अपने आप को बंधने दिए। और उसका दूसरा कारण क्या है? जब मनुष्य के अंदर, इस जीवात्मा के अंदर भौतिक इच्छा एक उंगली और अहंकार दूसरा उंगली, ये जब तक रहते हैं तब तक भगवान को पाने का अभिलाषा हमारा पूर्ण नहीं होने वाला है। जब मनुष्य के मन से भौतिक इच्छा और अहंकार निकल जाते हैं तो भगवान उन पर कृपा करते हैं और वो खुद से ही भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई है, तो वो कृपा करके स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण है परम स्वतंत्र है, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत इनके बस में है, फिर भी इस तरह बंध कर उन्होंने संसार को ये बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के बस में ही हूं। संस्कृत में डोरी या रस्सी को दाम कहते हैं और उधर कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। मैया कन्हैया को उखल से बांधकर अपने काम में लग गई और कन्हैया ने देखा मैया अपने काम कर रही है तो मैं भी अपना काम कर लूं। नंद भवन के बाहर यमुना अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हुए थे, एक का नाम नलकुबेर और दूसरे का नाम मणिग्रीव, जो नारद जी के साप से वृक्ष हो गए थे, उनका उद्धार करना था। तो कन्हैया उखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने उखल को दो वृक्षों के बीच में फंसा दिया और जोर से जहां खींचा अचानक से आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, नलकुबर और मणिग्रीव। पिछले जन्म में बड़े दुष्ट और उपद्रवी थे, नारद जी के साप से इनको नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते हुए इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। आज उन्हें अपने वृक्ष अवतार से मुक्ति मिल गई। उन्होंने श्री कृष्ण से ये वरदान मांगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इसको। उन्होंने बोला, हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम ही निकले या आपका कथा ही निकले, इधर उधर की बातों से समय व्यर्थ ना हो।
अगर कानों से हमको सुने तो आपके गुणगान सुने, आपका कीर्तन सुने, हाथों से अगर कोई काम करे तो आपकी सेवा करे, मंदिर की सेवा करे, संतों की सेवा करे, ठाकुर की सेवा करे, मन हमेशा आपका चिंतन करे, हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए हमेशा झुकते रहे क्योंकि सारे लोगों में आप विराजमान है, हमारी दृष्टि सदा आपका दर्शन करे या आपके परम भक्त उनका दर्शन करे। भगवान ने उनको यह वरदान दिया और वो भगवान के धाम चले गए। सत्यव्रत मुनि ये कहते हैं, परम देव मोक्षम मोक्षवधिम नचन्यम ऋणेहम रेशादपीहा इदं तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा मे मनाशवे रास्तम किमन्ति। वो कहते हैं, भगवान आपके पास सभी प्रकार के आशीर्वाद देने की शक्ति है, लेकिन मैं आपसे निर्गुण विमोक्ष या मुक्ति का आशीर्वाद नहीं चाहता या वैकुंठ के शाश्वत जीवन जैसा कोई अन्य आशीर्वाद भी नहीं मांगता। प्रभु मेरी केवल ये इच्छा है कि आपका जो वृंदावन के बाल गोपाल रूप है वो हमारे हृदय में हमेशा प्रकट रहे, मेरे लिए इसके अलावा कोई और आशीर्वाद किसी काम की नहीं है। इसी मनोभाव से इसी लीला को स्मरण करते हुए इस पूरा कार्तिक के महीना में शाम को हम लोग यशोदा दामोदर के जो विग्रह है, जो लैमिनेशन फोटोज है, उनके सामने इस दामोदर अष्टक प्रेयर को गा के दीप दिखा के हम अपना प्रेम भगवान के प्रति जता सकते हैं, अपना प्रचेष्टा कर सकते हैं। फिर भगवान अगर खुश होंगे तो वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण।